हेलो स्टूडेंट्स, आप यहाँ अपने प्रेडिकेट पार्ट को एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करें और इसे इसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखें, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करके हम प्रेडिकेट पार्ट को देखेंगे कि इसमें प्रेडिकेट पार्ट में कौन कौन सा शब्द है और किस प्लेस पर आया है। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे, ये माई सिस्टर कुक्स फूड। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट का पार्ट है माय सिस्टर, क्योंकि हम सब्जेक्ट पार्ट क्लियर कर चुके हैं, इसलिए हम केवल प्रेडिकेट को देखेंगे, कुक्स फूड। प्रेडिकेट क्लियर कैसे होगा? प्रेडिकेट वह पार्ट, सेंटेंस का वह पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, और इसमें सबसे पहले वर्ब होता है और वर्ब को देखेंगे। कभी कभी वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी होता है और कभी ये अकेले होता है। तो यहां पर आप देखें कि ये जो कुक्स फूड है ये प्रेडिकेट का पार्ट है। मेरी बहन भोजन पकाती है, ये प्रेडिकेट का पार्ट कुक्स फूड है। कुक्स वर्ब है, ये वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है और लिंकिंग भी हो सकता है। वैसे और भी वर्ब, वर्ब के भी पार्ट में आप इसको और डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल यहां समझें कि यदि वर्ब ट्रांजिटिव है यानी सकर्मक क्रिया है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। यदि इनट्रांजिटिव है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और यदि लिंकिंग होगा तो उसके साथ कंप्लीमेंट आएगा, यानी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए फिर कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो कुक्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया है, इसलिए इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया है, यानी ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो पार्ट में होते हैं, या बताया गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाइफलेस थिंग्स की ओर इंडिकेट करते हैं और लिविंग थिंग्स के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंडिकेट करता है। क्या या किसको से प्रश्न पूछ सकते हैं हिंदी में, या व्हाट या हुम से प्रश्न पूछ सकते हैं इंग्लिश में, इसको आप क्लियर कर लें। तो ये हो गया आपका वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये पार्ट है आपका प्रेडिकेट का। प्रेडिकेट जब भी होगा सबसे पहले उसमें वर्ब ही आएगा, वर्ब को अब देखना होगा कि किस तरह का वर्ब है, उसके अनुसार ही सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप इससे देख सकते हैं, जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब हो तो इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। ये देखिए, ये सब्जेक्ट पार्ट है और ये प्रेडिकेट पार्ट है, और प्रेडिकेट पार्ट में केवल एक वर्ब है बार्क, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब है तो यहां ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये सिंगल है तो ये केवल प्रेडिकेट में वर्ब है और वर्ब भी इनट्रांजिटिव है, लेकिन यहां ये ट्रांजिटिव है इसलिए कुक्स के साथ फूड आया है, फूड आना जरूरी है। इसीलिए आप अगला सेंटेंस देखिए, आई सेंट हिम ए लेटर, तो यहां भी आप देखेंगे ये सब्जेक्ट है और सेंट हिम ए लेटर ये प्रेडिकेट का पार्ट है, लेकिन प्रेडिकेट पार्ट में प्रोसेस या सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले वर्ब है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करता है, और यहाँ ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां देख रहे होंगे कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें मैंने एक रूल बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए बीच में टू या फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई सेंट हिम ए लेटर, तो आई सेंट ए लेटर टू हिम, इसको आप यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आई सेंट हिम, सॉरी, आई सेंट ए लेटर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, ए लेटर टू हिम, ये है। यानी आप जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे तो इसके बीच में टू या फॉर का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, ये हो गया ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह आप आगे देखें, नेक्स्ट देखें, तो इसमें सीता सब्जेक्ट है, लव सिंगिंग प्रेडिकेट का पार्ट है, लव तो वर्ब है लेकिन सिंगिंग, देख रहे होंगे कि वर्ब फर्स्ट में आई एन जी लग गया, आपको बताया गया है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाने से जीरण बनता है और जीरण नाउन का कार्य करता है, इसलिए सब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आ सकता है। अर्थात यहाँ आप इसको देखें, ये सिंगिंग वर्ब फर्स्ट में, इसको देखकर कंफ्यूजन होती है कि वर्ब फर्स्ट में आई एन जी का प्रयोग तो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है ये आप ध्यान दें कि ये जीरंड के रूप में नाउन का कार्य कर रहा है, और नाउन कहां है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, अर्थात ये वर्ब हुआ लव्स और सिंगिंग हुआ ऑब्जेक्ट। इसी तरह आप अगले सेंटेंस में देखिए, इसमें दे वांट टू स्विम इन द रिवर, वे नदी में तैरना चाहते हैं, तो दे सब्जेक्ट का पार्ट हुआ वांट टू स्विम। देख रहे हैं आप वर्ब के साथ का पूरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट में आ रहा है, तो यहां जो टू स्विम है ये क्या है, वांट तो वर्ब हो गया, लेकिन ये टू स्विम क्या है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में के पहले टू लगा है, जो इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव आपने पढ़ा कि इंफिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, और ये इंफिनिटिव के रूप में नाउन का कार्य करता है, और नाउन के रूप में सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यहां इसका प्लेस ऑब्जेक्ट का है, क्योंकि ये वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, यहां वर्ब के बाद आ रहा है, इसलिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो हो गया, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप आगे देख सकते हैं, ये अदर वर्ड्स का एक वो है, ये फ्रेज है, और ये अदर वर्ड्स में है जो सेंटेंस के अंत में प्रयोग किया जाता है, ये अदर्स में चला जाएगा, ये हो गया आपका इसका, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये अदर्स हैं, अन्य। अभी आप सेंटेंस छोटे में देख रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे हैं, अदर्स और भी हो सकते हैं, अदर्स जो होते हैं वो कोई भी शब्द या फ्रेज, फ्रेज के जो है ग्रुप हो सकते हैं जो सेंटेंस को बड़ा बना सकते हैं। फिलहाल सेंटेंस की मुख्य प्रोसीजर यही है, या ये प्रोसेस यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के पार्ट को रखिए, फिर प्रेडिकेट के पार्ट को रखिए, उसके बाद ये कुछ बचे हों तो वो अदर्स होंगे, अन्य होंगे, और वो और आगे एड करते चले जाएंगे, फिर उनको उनका फ्रेजेस, कई फ्रेजेस हैं तो किसी भी फ्रेज को आगे पीछे कर सकते हैं, उनका कोई निर्धारित या उसमें गलती होने के चांस नहीं। नेक्स्ट देखिए, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, इसमें आप देख रहे हैं इलेक्टेड हिम देयर लीडर, ये जो है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट का है, इसमें सबसे पहले ये वर्ब है आपका, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। अब आप यहां थोड़ी कंफ्यूजन में होंगे कि ये तो ऑब्जेक्ट हो गया हिम, लेकिन ये देयर लीडर क्या है, देयर लीडर देखने में ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, लेकिन आप यहां ध्यान दें कि ये जरूरी नहीं है कि जो देखने में ऑब्जेक्ट लग रहा हो ऑब्जेक्ट हो, यदि वो ऑब्जेक्ट को या वर्ब को पूरा करने का काम कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये आपके लिए नया एग्जाम्पल हो सकता है, इसको आप ध्यान दें, और इस तरह के सेंटेंसेस में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, और स्पेशली तो पैसिव वॉइस में इसमें गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि आप जब कॉम्प्लीमेंट को क्लियर नहीं करेंगे तो आप इस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट बना करके आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान दें कि ये हिम तो ऑब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट क्यों कैसे है, तो दे इलेक्टेड हिम, उन लोगों ने उसे चुन लिया, तो किसको चुन लिया, उसे, यानी ऑब्जेक्ट है, लेकिन देयर लीडर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी वह चुना गया, और वह क्या चुना गया, देयर लीडर, यानी इसको आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में समझें, कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, पूरक जो होते हैं वो सेंटेंस में, जैसे इसको ऐसे कह दिया दे इलेक्टेड हिम, तो ये वाक्य अधूरा हो सकता है, तो इसलिए जो है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। नेक्स्ट को देखिए, दिस इज ए टेबल, ये जो है दिस सब्जेक्ट है, इज ए टेबल, तो इज तो वर्ब है, वर्ब यानी ये है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में आता है, इज एम आर वाज या वर, तो ये इनकम्प्लीट वर्ब है, इसको पूरा करने के लिए ए टेबल आया है, ए टेबल नाउन के रूप में आया है, नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो सकता है, अर्थात यहाँ टेबल क्या है, वो नाउन के रूप में कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। इसी तरह मोहन इज ए डल, मोहन इज डल, तो इज के साथ डल का प्रयोग एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है, यानी नाउन भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडजेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इधर है ही इज इन द क्लास, तो ये इन द क्लास जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है, इसकी विशेषता है, इसलिए इन द क्लास ये तीन शब्दों का है, और ये तीनों मिलकर के एक फ्रेज बना रहे हैं, ये एडवर्बियल फ्रेज है। ये एडवर्बियल फ्रेज जो है वो सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए आया है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इस तरह से आपने देखा कि प्रेडिकेट पार्ट भी जो है अलग अलग रूप में हो सकते हैं, जिनको आप
नियमों में देख चुके हैं, यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है कुछ समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये एग्जाम्पल्स आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी मदद की है और करेंगे। आप इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करते रहिए और जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ग्रामर के नियमों को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।